हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, एसएससी सीजीएल 2023 का फॉर्म अप्रैल में आया था और जो इसकी लास्ट डेट थी वो 3 मई थी। 3 मई तक आप अप्लाई कर सकते थे। और जो करेक्शन विंडो है, बाई चांस अगर फॉर्म फिलअप करते हुए कोई कुछ भी गलती हो जाती है आपसे, तो आप इसे करेक्ट भी कर सकते हो। उसकी डेट है 10 और 11 मई को, तो अगर कुछ भी गलत है तो आप सही कर लेना। अब बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2023 में कितने लोगों ने फॉर्म को फिल किया है, अप्लाई किया है। तो आरटीआई के थ्रू पता चला है कि 24 लाख लगभग 74 हज़ार स्टूडेंट ने इस फॉर्म को अप्लाई किया है 2023 के सीजीएल को। तो और टोटल वैकेंसी अभी तक रिपोर्ट हुई है 7,675 ऑफिशियल आई थी, 100 आरटीआई के थ्रू पता चली थी, वो मैंने आपको बता दिया था पहले ही। तो अगर आप 25 लाख, अगर लगभग 25 लाख भी मान लो कि 25 लाख स्टूडेंट ने अप्लाई किया है 2023 के लिए, तो 25 लाख को जब आप 7,600 वैकेंसी से डिवाइड करोगे तो लगभग 324 स्टूडेंट आएंगे। मतलब एक सीट पे कितने स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं, 324। और आपको पता है कि जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो 100% अटेंडेंस रहती नहीं है, लगभग 40 से 50% के बीच में एसएससी सीजीएल की अटेंडेंस रहती है। तो अगर आप 50% भी मानो तो लगभग एक सीट पे 364 लोग फाइट कर रहे हैं। तो कंपटीशन बहुत ही अच्छा है, आपको अच्छी तरह तैयारी करनी पड़ेगी। और एसएससी सीजीएल 2023 का जो एग्ज़ाम है, टीयर वन का एग्ज़ाम, उसकी भी डेट आ गई है। आपको पता है 14 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में एसएससी सीजीएल 2023 के टीयर वन का एग्ज़ाम होगा। तो ये कुछ अपडेट हैं। अब इसके बाद आपको पता है एसएससी सीएचएसएल 2023 का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, लगभग 14 मई को आ जाएगा। तो जब भी आएगा तो मैं आपको डिटेल में उसका बता दूंगा, क्या क्या पैटर्न है, कितनी वैकेंसी वगैरह है, ठीक है। तो और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लेना। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइज़।